तो भैया क्या बना रहे हो अभी आप? कढ़ी चावल, फ्राइड कढ़ी चावल। ठीक है, तो ये आप बटर में बनाते हो? बटर डाला इसमें, इसमें वीटा का बटर है ये। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं। ये हमने ऑनियन डाले इसके अंदर। ठीक है, तो हमने फ्रेश ऑनियन डाल दिया इसमें। हाँ जी, फ्रेश ऑनियन डाले, इसे थोड़ा फ्राई करेंगे। ये देख सकते हो आप, इसमें हमने थोड़ी सी ये लाल मिर्च डाली है, देगी मिर्च और फूड कलर। तो इन्होंने कलर दे दिया इसमें। तड़का होने वाला है तैयार इनका। और ये डाल रहे हैं, देखो इतने बड़े कंटेनर से कड़ी, ये डल गई कड़ी इसमें। तो पकौड़े के कितने पीसेस डालते हैं आप? तीन चार पीस डालते हैं। कस्टमर और कहता है तो हम और भी डाल देते हैं। ठीक है, और ये इनके राइस देख सकते हो, इनकी क्वालिटी देखो, ये जीरा राइस कितने बढ़िया, एकदम बासमती राइस है। ये क्या डाला भैया आपने? ये हमारे खुद के गरम मसाले जो हम खुद बनाते हैं। ठीक है, गरम मसाला ऊपर से हरा धनिया, और ये मिर्च, सूखी मिर्च, फ्राइड मिर्च। ठीक है, ये फ्राइड मिर्च है इनकी। ये कड़ी को एकदम कलरफुल बना दिया उन्होंने। और ना कंटेनर देख सकते हो कितना बड़ा है, यहाँ पे कितनी बड़ी क्वांटिटी में बनता है यहाँ पे। और एकदम इसे हमें रिफिल करना पड़ता है, इसको रिफिल करना पड़ता है, और ये इनका 2-3 बजे तक ख़त्म हो जाता है। कोविड के बाद से हमने मतलब स्टील की प्लेट्स बंद कर दी है, हम कंटेनर ही यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, ये इनका सही है कि मतलब ये कंटेनर अब ये दूसरे वाले यूज़ कर रहे हैं डिस्पोजल। पहले हम स्टील की प्लेट भी यूज़ कर रहे थे, इसके बाद हम कंटेनर ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो आपने बटर में तड़का लगते हुए देखा था, और ऊपर से इन्होंने और बटर डाल दिया इसमें और थोड़े से मसाले। तो इसका प्राइस क्या भैया प्लेट का? 50 रुपीज़ जी। ठीक है, तो ये कढ़ी चावल की प्लेट है 50 रुपीज़ की, जिसमें आपको एकदम बढ़िया से चावल मिल जाएंगे, कढ़ी की क्वालिटी देख सकते हो कितनी बढ़िया है, और एकदम बढ़िया मसालों में इन्होंने बनाया, और ऊपर से एकदम बटर डाल दिया इसमें। तो ये 50 रुपीज़ की इनकी कढ़ी चावल की प्लेट है। तो भैया आप क्या लगा रहे हो आप? अब हम टमाटो पुलाव बना रहे हैं। ठीक है, ये डिश भी हमारी काफ़ी फेमस है, सबसे ज़्यादा लोग तो वैसे कढ़ी को पसंद करते हैं, देन उसके बाद पुलाव। ठीक है, तो ये देखो ये बटर यूज़ कर रहे हैं इसके लिए भी। इसमें थोड़ा बटर ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, बटर की क्वांटिटी देख सकते हो आप, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बटर यूज़ किया है। तो पुलाव तो मैंने बहुत जगह खाया है, देखते हैं इनके टमाटर पुलाव में क्या डिफरेंस है। ये डल गए टमाटर इसमें, और ये थोड़ा सा नमक, ये देखो क्या तड़का इनका। अम्बाला में इनकी कढ़ी चावल और टोमेटो पुलाव काफ़ी फेमस है ये, तो देख सकते हो उन्होंने ऊपर से देगी मिर्च डाल दी एकदम कलर के लिए इसमें भी। बहुत ही बढ़िया तड़का लग गया यहाँ पे। तो ये तड़का बन के तैयार हो गया यहाँ पे। तो मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि इनके चावल की क्वालिटी बहुत बढ़िया है।
काफ़ी जगह हम पुलाव खाते हैं बट वहाँ पे चावल की क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं रहती। ये कर दिया उन्होंने अच्छे से मिक्स को। स्टार्टिंग में आपने बटर डालता हुआ देखा था, इन्होंने और बटर डाल दिया इसमें है? और ये डाल दिए लाल मिर्च वो फ्राई की हुई। ये इसको आपको कितना टाइम हो गया सॉल्व? हमारे पिताजी ने ये काम शुरू करते हुए 45 साल से ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, इस दुकान को 25 साल हो गए हैं। इसी शॉप को यहाँ पे 25 साल हो गए हैं? हाँ जी, 24-25 साल इस शॉप को हो गए। इससे पहले हमारे पिताजी रेडी लगाते थे जी। हमारे पिताजी को काम करते हुए 40-45 साल हो गए, 45 साल हो गए हैं। तो वो भी ये तीन आइटम यहाँ पे लगाते थे? हाँ जी, वो सिर्फ कढ़ी चावल और टमाटो पुलाव ही बनाते थे। ठीक है, उसके बाद हमने राजमा चावल भी स्टार्ट किया। अब हम कढ़ी चावल, राजमा चावल, टमाटो पुलाव। तो आपके ये ऑनलाइन डिलीवरी अवेलेबल है यहाँ पे? हाँ जी, ऑनलाइन डिलीवरी अवेलेबल है जोमेटो और स्विगी से। तो अगर आपको अगर आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो तो आप जोमेटो और स्विगी से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो भैया इसकी टाइमिंग बता दो फिर स्टॉल की। टाइमिंग सर सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। ठीक है, ये हमारी टाइमिंग होती है। और हफ्ते में कितने दिन ओपन रहती है? 7 डेज ओपन। ठीक है, और 7 डेज ओपन। लोकेशन बता दो मुझे। लोकेशन निकलसन रोड है, अम्बाला कैंट, कबाड़ी बाजार चौक पड़ता है, निकलसन रोड है। ठीक है, हाँ जी। फाइनली ये राइस भी रेडी हो चुका है? हाँ जी रेडी है। तो भैया फटाफट मेरे लिए प्लेट लगा दीजिए। तो इसका प्राइस क्या है भैया पुलाव का? 70 रुपीज़। हाँ जी 70। फाइनली मेरी दोनों प्लेट यहाँ पे लग चुकी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ उन्होंने क्या क्या लगाया है। ये है कढ़ी चावल की प्लेट इनकी, जिसका प्राइस है 50 रुपीज़। और ये है इनकी टमाटर पुलाव, इसका प्राइस है 70 रुपीज़। तो पहले मैं कढ़ी चावल ट्राई करूँगा। तो कढ़ी चावल में इन्होंने एकदम बटर का तड़का लगाया है, ऊपर से इन्होंने देगी मिर्च डाली थी। और इनके जो राइस है वो देख सकते हो आप, कितने फ्रेश राइस, जो इनके राइस देख सकते हो उसकी क्वालिटी देख सकते हो कितनी बढ़िया है। बासमती राइस इन्होंने यूज़ किए हैं। और ये पकौड़े इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डाले हुए इसमें, और ऊपर से इन्होंने अपना घर का बना हुआ मसाला इसमें डाला था। और इसको गार्निश किया है प्याज और हरे धनिया के साथ। तो इसको मैं टेस्ट करता हूँ। तो जैसा कि इनकी शॉप का नाम है स्वादिष्ट कढ़ी चावल, तो एकदम इनकी कढ़ी चावल बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही बढ़िया से इन्होंने एकदम बटर का एकदम फ्लेवर आ रहा है। और बात की जाए कढ़ी की, तो कढ़ी बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छे से इन्होंने कुक किया इसको। तो तड़का बहुत ज़बरदस्त लगाया इन्होंने, और जो इनके मसालों का फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया से आ रहा है। और अब मैं इनके ट्राई करता हूँ टमाटर पुलाव। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा बटर यूज़ किया है, इन्होंने लगाया था टमाटर प्याज का तड़का, और ऊपर से डाली इन्होंने हरी चटनी धनिया की है ये। और चावल देख सकते हो आप कितने बढ़िया है। तो नॉर्मल पुलाव से बहुत ही बढ़िया पुलाव है ये, मेरे ख्याल से आपने ऐसा पुलाव नहीं खाया होगा, बहुत ही टेस्टी है ये। तो अगर आप इसको मिंट की चटनी के साथ खाओगे तो उसका फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस होगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको, थोड़ा सा खट्टापन एक्स्ट्रा आएगा। तो जैसा कि इन्होंने टोमेटो का यूज़ किया था तो उससे भी थोड़ा सा इसमें टैंगीपन आ रहा है, तो काफ़ी बढ़िया टेस्ट है ये। अगर आप अम्बाला आ रहे हो या अम्बाला में रहते हो
तो आप ये दोनों आइटम ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक है। फटाफट से मैं इन दोनों को फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।